जनपद में छठ पर्व को देखते हुए नागरिकों के द्वारा राप्ती नदी के किनारे वेदी बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद में 19 नवंबर की शाम व 20 नवंबर की सुबह छठ का पर्व मनाया जाएगा। वहीं नागरिकों के द्वारा घाटों पर वेदी बनाया जा रहा है जिससे कि वो छठ पर्व मना सकें। वहीं इस संबंध में नागरिकों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग हर वर्ष छठ का पर्व महापर्व मनाते हैं जिसको देखते हुए हम वेदी बना रहे हैं और इस वेदी को सजाएंगे जिससे हम लोग छठ पूजा कर सकें क्योंकि छठ मैया सबकी मुराद करती हैं। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए वेदी बनाने वाले नागरिकों ने कहा, हाँ जी सर, हर साल की बात, इस साल भी भगवान सूर्य भास्कर के उपलक्ष्य में जो छठ का पर्व आता है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके को देखते हुए जो ये कर्मचारीगण लगे हुए हैं इसको साफ सफाई कर रहे हैं ठीक ठाक, और हम लोग भी अपना अपना जो जगह है चुनाव कर रहे हैं कि छठ के दिन उसको यहाँ पर आके बहुत विधिवत पूजा करें और सारे विश्व की कामना, देश की कामना, प्रदेश की कामना यहाँ से कर सकें, यही हम लोगों का मतलब कि वो मानसिक वो है। हर साल मनाते हैं आप? जी हर साल की, हाँ हर साल मनाते हैं, यहाँ पर आते हैं और इस साल भी आ रहे हैं। क्या किस लिए किया जाता है पूजा? ये भगवान सूर्य का एक पर्व है, भगवान सूर्य को ही एक पूजा माना जाता है और इसकी कालांतर में जाएंगे तो बहुत विधिवत अलग अलग कथाएं हैं जो कि पूरा ज्ञात नहीं है, पर यही है कि ये सूर्य भगवान आज के दिन पूजा करने से वो प्रसन्न होते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद गुप्ता है।